तो गाइस सबसे ज्यादा जो बाइक और व्हीकल स्कूटी गाड़ी बिकती है ना वो नवरात्रे दशहरा दिवाली के आसपास ही बिकती है, क्योंकि जितने भी ये शोरूम वाले हैं वो इस टाइम पे काफी सारे स्कीम ईएमआई के ऑप्शन और डाउन पेमेंट भी काफी कम देनी पड़ते हैं इस टाइम पे, और साथ में वो लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मेरे पास एक टीवीएस राइडर है जिनकी मैं काफी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, तो मेरे दोस्त ने भी ली नई वाली टीवीएस राइडर। बट ये वो वाला मॉडल है जिसमें एक ही सीट है पूरी लंबे वाली, जैसे जो क्योंकि जो मेरे वाली है उसमें स्प्लिट सीट वाली वो राइडर है, बट काफी अच्छी बाइक है राइडर। अभी चलते हैं इसकी डिलीवरी लेने आ रखे आज हम। तो अभी इसका ऑन रोड प्राइस ना 1,15,000 1,17,000 के आसपास है, बाकी यहाँ से तो हमने फाइनेंस कराई है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोस देख सकते हैं टीवीएस राइडर की, मैंने इसके बारे में सब बता रखा। क्योंकि जो मेरे वाली टीवीएस राइडर है वो 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और 6 सर्विस मैंने उसकी करवा दी, और जितनी भी उसकी कमियाँ हैं जो भी है मतलब सब मैंने ए टू जेड अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ से तो हमें इस बाइक के साथ ये दो गिफ्ट मिले हैं और एक हेलमेट, तो अभी घर जाके देखेंगे इसमें क्या है, घर जाके खोलते हैं। और जो ये वाला मॉडल है वो E20 के साथ आता है, E20 फ्यूल सबमिशन के साथ। और जो मेरे वाली टीवीएस राइडर है वो 2022 मॉडल है और वो मुझे ना 60 प्लस का माइलेज देती है, और बाकी चलाने के ऊपर भी बात है भाई। और आप लोगों को 125 सीसी के अंदर कौन सी बाइक सबसे बेस्ट लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो सारे कागजी कार्रवाई होगी यहाँ की, और अभी चलते हैं भाई फोटो वोटो खींच रहे। और अगर आपको कुछ और भी जानना है इस बाइक के बारे में तो आप लोग कमेंट भी कर देना, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और जो फुल डिटेल वीडियो है इस बाइक की वो जल्द ही आ जाएगी। बाकी इसमें पूरा एलईडी सेटअप मिलता है, हेलोजन इंडिकेटर, और इस बाइक में किक नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और बैक में ड्रम ब्रेक मिलते हैं इसमें। और इसमें इंजन ऑयल 1 लीटर डलता है और 10 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन वाला इंजन मिलता है इसमें। और अगर इसकी मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए इन नैनोमीटर तो इसमें 11.2 नैनोमीटर एट 6000 आरपीएम पे इसमें मिल जाता है। और इसमें पावर और इको मोड भी मिल जाते हैं, बट उसमें थोड़ा माइलेज का डिफरेंस आता है, बट स्पीड का डिफरेंस भी आ जाता है उसमें। तो गाइस बाइक हमने कर दी स्टार्ट और अब चलते हैं घर की ओर, और बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ना लड़ाई हो रही कि बाइक कौन चलाएगा और कौन लेके जाएगा, और बाकी कमेंट करके भी बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। और की चैन देखिए भाई, स्पेशल टीवीएस राइडर का। और इसकी चैन देखो गाइस कितनी सूखी पड़ी है, बिल्कुल भी ल्यूब नहीं है। और अब देखते हैं गिफ्ट खोल के क्या होगा। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था भाई यही है पूरा बॉल सेट, तो दे देंगे भाई किसी की शादी में किसी को गिफ्ट।